फाइनल करेक्शन कर दूं। जी जी, आपने तारुफ में अपने ये कहा मेरे साफी भाई यहाँ बैठे हैं। हाँ। एक भाई नहीं है। यस, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखना, एक एक किस्म का एक लेवल का तजर्बा होना होता है कि आप फौरन पकड़ लें गलती को। अस्तगफुरुल्लाह, बाल धूप में तो नहीं सफेद किए। उसको माफ कर दे यार, बस कर दे। अच्छा, मैं वोट समझी काशिप भी भाई है आपके। हर गाल दो दिन बाद ही समझ। आज पहले दिन आजकल नई नई जवानी चढ़ी हुई है ना भट्टी साहब पे, जिम शिम भी ज्यादा लग रहा है और आप देख रहे हैं कि हर बैठक से जल्दी भी उड़ जाते हैं। क्या खैरियत है? और कुछ गुलाबी गुलाबी भी लग रहे हैं। वो बिल्कुल ब्लश कर रहे हैं। आप तो मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जाता है, मैंने सुना है। हाथों से दबा के लग रहे हैं। सवाल मेरे पट्टी है। आप भी कुछ कह रहे हैं सारे। आहिस्ता आहिस्ता हरे की जलन जो है ना वो निकलेगी, हरे की हसद निकलेगी। तुसी चेक करो आजकल तुहाडा नाम भी पट्टी नहीं है। खाली वो टाइम नहीं आया वरना इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ी है। मेरा नाम पट्टी नहीं है। रिकॉर्डेड पड़ी है। प्रैक्टिस कर दो आजकल, कीती नहीं है, करोगे पता लग जाएगा सर। ये जेलस क्रिएचर हैं। ईद मुबारक आप सारों को। और सारे जेलस हैं, पता क्यों? आई एम द ओनली वन बैचलर ऑफ अर्थ ऑफ द प्लेनेट ऑफ द अर्थ। मतलब लीगल किसने कहा भट्टी साहब की इन सब का स्टेट ऑफ माइंड भी वही नहीं है। आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ। मां सवाय एक के। हाँ। नहीं नहीं, वो तो ना दीपिका ने मिलना है ना इन्होंने डिक्लेयर करना है। तो वो तो आपने खुद ही उनका स्टैंडर्ड रख लिया कि दीपिका से कम की बात नहीं, दीपिका से ऊपर चले गए हैं। मेरे जर्नलिज्म का रणवीर कपूर है, हद हो गई है। लड़की नहीं है भट्टी साहब। ऑनेस्टली मैं कई बार कह चुकी हूँ भाई, कई बार हमेशा भट्टी साहब मिलते हैं, काशिप की नजरें उतार रहे होंगे, मुझे बता रहे होंगे तुम कितनी लकी हो। एंड ऑनेस्टली आई कीप वंडरिंग दैट Should I be threatened? और यकीन करें अगर मैं लड़की होता आपने मुझे घर में नहीं घुसना देना। मेरा ईद वन टू वन मुझे काट चुके होते हैं। मुंडा तेनू हाले भी कार को नहीं बढ़ा देता यार, मैं ब्रेड पेट। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वी नीड टू मूव ऑन। क्या राज क्या है? राज क्या है इस निखार का, इतने वर्कआउट का? आई मीन आर यू लिविंग अ हेल्दियर लाइफ? कोई जिंदगी में पैटर्न चेंज किया है? खुशी मिल रही है? खुशखबरी आ रही है? कोई अगर अगर तुसी जुगता तो बाज हो तो मैं वन वन कर लूं। हाँ, संजीदगी से जवाब देना चाह रहे हैं वो। जी हुकुम होता। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कह तुसी लाहौर तो ताजा ताजा आ रहे करो। अच्छा, यस। प्रोग्राम का नाम की खबर, और खबर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज खबर दे रहे हैं आपको जनाब। सोच के एनिया जाता कहना सी खबर खबर। इट्स नॉट ऑफ द रिकॉर्ड, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या नाम है? इट्स ओके। नहीं अभी उसने उन्होंने कहा है नाम ना बताना, अभी उन्होंने आने की। नहीं नहीं, सच्ची बात है कसम से। ये दो तीन वजह, एक तो हाँ मैं आज मैं आपको वहमी कहूँ कि इस बैठक में सब आपके हम उम्र होंगे। नहीं 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 नहीं, और आप इनसे आधी उम्र के लग रहे हैं, तो इसका राज क्या है? सो बहुत मुबारक हो आपको। नहीं नहीं, बात ये है कि आई एम मिसिंग माई वाइफ, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड, आई एम मिसिंग माई मोटिवेशन, आई एम मिसिंग माई स्ट्रेंथ, बिलीव कसम खुदा की रोजाना। लेकिन ये लेकिन के बाद असल जुमला शुरू होता है। लेकिन आई एम लविंग माय लाइफ, आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस, और यू नो आपको अल्लाह के फजल से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। उन्होंने इतना रहना है कि एक दिन मैंने अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अफसोस कर रहा हूं कि बहुत अच्छा आदमी। सीरियसली अल्लाह माफ करे भट्टी साहब। आई मीन हूं ठंड आराम, इधर कोई मेरा दोस्त है? एनीबडी ऑन माय साइड? आमिर भाई, यू आर द ओनली वन आई एम बैंकिंग ऑन। आई एम ओनली बैंकिंग ऑन यू यार, इनको न्यूट्रलाइज करें, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। और बाय द वे आप कौन से बैचलर होंगे जो आमिर मतीन साहब ने बैचलरहुड का जो वो तमगा है ना वो उन्होंने अपने पास रखा है? सदाबहार बैचलर, सदाबहार बैचलर, सदाबहार। मगर मैं भट्टी साहब का ये है कि वो जमाना आ गया जब लोगों ने हाथ में तस्बीहां जो है ना उतारनी शुरू कर दी है, अंगूठियां भी उतार दी है, तो इन्होंने गलत टाइम पे ये तस्बीह पकड़ी है। वैसे तो तस्बीह पकड़ना अच्छी चीज है, इबादत के लिए तो अच्छा है। तो मैंने इनिशियली इब्तदाई में ये भी कहा कि एक मुश्किल वक्त है मुशर्रफ, बिकॉज जितनी देर से मैं आपको जानती हूँ मुझे लगता है कि एक हसासियत और सेंसिटिविटी आम आदमी से ज्यादा है आप में। यू थिंक अलॉट, यू फील अलॉट, यू फील, ही फील्स अलॉट। कैसे फील?
बताएंगे ना, मैं क्या बताऊं क्यों फील करते हैं मुझे, मैं उनकी बातों से मुझे महसूस होता है, ही फील्स अ लॉट, यू आर सेंसिटिव, यू डू फील अ लॉट, वेरी सेंसिटिव, और आप इमोशनली इमोशनली टाई इन हो जाते हैं विद इवेंट्स, मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हूं अपने दोस्तों में, हालात में, ईद में, ईद एक बहुत अहम जो है, मैं जब ईद का सोचता हूँ मैं हजरत इब्राहिम और इमीडिएटली हजरत इस्माइल का जो डायनामिक है उसके बारे में सोचता हूँ, व्हिच मेक्स मी थिंक, नहीं व्हिच मेक्स मी थिंक जो हमारा ताल्लुक अपनी औलाद के साथ है वो उसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या होनी चाहिए क्या नहीं है, मतलब ये संजीद तो ये हसासियत है, संजीदियत है, मुझे नहीं पता कि इसमें मैं क्यों इस तरह सोचता हूँ, लेकिन सारी बात है मुल्क के हालात के बारे में। और आप देखिए सबसे बड़ा पैगाम इस ईद का कुर्बानी है, अपनी अना की, अपनी आई मीन एवरी सिंगल लेयर ऑफ कुर्बानी, जिस तरह आप देखें, एंड आई टेल माय लिटिल सन हू सिटिंग अक्रॉस कमरे में, जब भी हम कुर्बानी करते हैं इमोशनल हो जाता है, रोता है, नहीं करें, बिकॉज ऑफकोर्स नेचुरली वाबस्तगी भी तो हो जाती है ना जानवर से, जब घर में पल रहा है देख रहे हैं, वाबस्तगी हो जाती है, न्यूट्रैलिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे।